मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड देयर यूजेस। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स को बताने वाला हूं, उनको सिखाने वाला हूं और इन इंटरेस्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इन वर्ड्स को इंटरेस्टिंग वर्ड्स का नाम दे रहा हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये जितने भी शब्द मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूं, आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, इन सारे शब्दों के अंत में आपको ly देखने को मिलेगा और यही कारण है कि मैंने इसके लिए एक और सबहेडिंग लिखा है वर्ड्स ऑन ly। ये सारे शब्द जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन सारे शब्दों के अंत में लास्ट में आपको ly देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी जो आपकी भाषा है इंग्लिश में, आपको ऐसे शब्द जिनके अंत में आपको ly देखने को मिलता है, अधिकांशता ऐसे शब्द जो होते हैं उनको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। एडवर्ब क्या होते हैं इनके लिए मैं आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन यहां पे बताऊंगा कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि एडवर्ब के द्वारा हमें यही पता चलता है सेंटेंस के भीतर कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को कैसे करता है, यानी कि वर्ब की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो दूसरी बात मैंने यहां पे बताई कि अधिकांशता ऐसे शब्द जिनके अंत में ly का प्रयोग कर दिया जाता है, वो जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में आपके जो है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी जो हमारी भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसमें जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं उनको इंग्लिश के सेंटेंसेस में ज्यादातर आपको लास्ट में अंत में देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें एडवर्ब्स का प्रयोग ज्यादातर आपको सबसे अंत में, सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। तो देखिए, तीन चीजें बहुत ही कॉमन आपको इन शब्दों को देखने को यहां पे मिल रही है, तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इनको सीखेंगे। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स डिस्कस ऑन दीज वर्ड्स। सबसे पहला शब्द मैंने यहां पे लिया है साइलेंटली। साइलेंटली का मतलब होता है चुपके से। एक सेंटेंस मैंने बनाया है, ही एंटर्ड इन माई रूम साइलेंटली एंड स्टोल माई पर्स। यानी कि वह चुपके से मेरे कमरे में घुसा और मेरा पर्स चुरा लिया। दूसरा मैंने शब्द यहां पे लिया हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी। इसके लिए मैंने बहुत पुरानी स्टोरी से एक सेंटेंस यहां पे बना करके आपको दिखाया है, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। यानी कि कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी दूर उड़ गया। नेक्स्ट है आपका वाइजली, यानी कि बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता से, यानी कि दिमाग से। यानी कि यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सॉल्वड दिस प्रॉब्लम वाइजली। यानी कि हो सकता है काफी जटिल प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने काफी दिमाग से, बुद्धिमानी से इसको क्या है सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट है आपका लाउडली, यानी कि जोर से। सेंटेंस मैंने बना के दिखाया है, व्हेन आई सॉ हिम He was laughing loudly। यानी कि जब मैंने उसे देखा तो वह क्या कर रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। नेक्स्ट है आपका फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, यानी कि बिना रुके हुए, बिना अटके हुए। यहां पर मैंने एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लाने की कोशिश की है, इसमें मैंने लिया है कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस ज्यादातर आपको जॉब के दौरान, इंटरव्यू के दौरान देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका क्विकली, यानी कि जल्दी से। He often answers me quickly। वह अक्सर मुझे जल्दी से, यानी कि क्विकली, यानी कि बिना देरी से, बिना देर किए क्या है, मुझे जवाब देता है, मुझे आंसर देता है। यानी कि हो सकता है he is an intelligent person, वो काफी बुद्धिमान है, जिससे कि उसके पास हर प्रश्न के जवाब है और वो शीघ्र मुझे जवाब देता है, राइट। नेक्स्ट है आपका देखो ब्रेवली, यानी कि वीरता से, बहादुरी से। एक सेंटेंस बनाया मैंने, इंडियन आर्मी फॉट इन द वार ब्रेवली। यानी कि भारतीय सेना युद्ध में, वार में जो है बहादुरी से लड़ी, बहादुरी के साथ लड़ी, वीरता से लड़ी। नेक्स्ट है आपका लकली, सौभाग्य से, यानी कि भाग्यवश। इसीलिए इसके लिए एक और शब्द यहां पर कई बार इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चुनेटली। यानी कि कुछ किस्मत से ऐसा हुआ जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, जो हमारे लिए फायदेमंद रहा, हमने उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया लेकिन हमको वो चीज मिल गई। एक सेंटेंस मैंने यहां पर बनाया है, He got the prize luckily, यानी कि उसने this prize, यानी कि उसे यह पुरस्कार जो है luckily, यानी कि सौभाग्य से मिला, भाग्यवश मिला। इसका मतलब उसने ज्यादा कुछ किया नहीं लेकिन उसको पुरस्कार मिल गया। नेक्स्ट है आपका unfortunately। इसी के अपोजिट में मैंने यह शब्द इस्तेमाल किया है, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यवश, यानी कि कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ।
एक सेंटेंस बनाया मैंने, वंस अगेन ही हैड टू लूज द जॉब अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्य से एक बार फिर से उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। नेक्स्ट है आपका ब्रीफली, संक्षेप में, सार रूप में, जैसे हम कहते हैं बस सार रूप में आप इस बात को समझ लीजिए, तो वही बात यहां पे करें। ब्रीफली वी नीड टू वर्क हार्डर, यानी कि संक्षेप में सार रूप में अगर कहें तो हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं ये, और इन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए और इनका प्रयोग आप अपने कन्वर्सेशन में कीजिए, आपके इंग्लिश बहुत इफेक्टिव हो जाएगी और आप सामने वाले को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह के शब्दों को सीखने के लिए, इंग्लिश को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप जो है पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और एक भी क्लास आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए, राइट। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।